Another some more important difference. C do not support exception handling and multi-threading, which is one of the most important रिक्वायरमेंट ऑफ टूडेज एरा. कि जब हम एक्सेप्शन की बात करते हैं, जब हम रन टाइम एप्लीकेशन की बात करते हैं, जब हम रन टाइम एरर की बात करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एन एक्सेप्शन. द एक्सेप्शन मीन्स द अनएक्सपेक्टेड एरर विच ऑकर एट रन टाइम इन प्रोग्राम. बट सी डोंट हैव एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट. और यहां पर जब हम सी में एक्सेप्शन हैंडलिंग ना होने की बात करते हैं, तो इससे बहुत से एग्जाम्पल है जहां पर हमें सी में समझ में आता है कि सी डोंट हैव एन एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि आप सी में कोड लिखते हैं, तो आप अपना एक अरे डिक्लेयर करिए. इस अरे को लिखिए 5 साइज का, और इस अरे में लूप लगा के आप 5 से ज्यादा एलिमेंट एंटर कर दीजिए. देयर इज नो एरर. मान लो मैंने 10 एलिमेंट एंटर कर दिए सी में इस अरे में स्कैनएफ के साथ. स्कैनएफ परसेंटेज डी कॉमा परसेंट ए ऑफ आई. सपोज ये आप सी में कोड लिखिए, देयर इज नो एरर. कि यदि अरे अपनी लिमिट को क्रॉस भी करता है तो कोई एरर नहीं आएगी. रीजन इज दैट देयर इज नो रन टाइम एरर चेकिंग कॉन्सेप्ट इन सी. सी में कोई रन टाइम एरर चेकिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, और रन टाइम एरर नहीं है, सो सी डोंट हैव एन एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट. क्योंकि हम एक्सेप्शन हैंडलिंग की जब बात करते हैं, तो हम बोलते हैं द एरर विच ऑकर एट रन टाइम. राइट, तो दिस इज व्हाट नॉट सपोर्टेड इन सी लैंग्वेज, बट यस दिस इज सपोर्ट इन पाइथन. एक्सेप्शन हैंडलिंग सपोर्ट्स इन पाइथन. मल्टी थ्रेडिंग टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट द सेम टाइम. कि एक ही एप्लीकेशन में मल्टीपल छोटे छोटे थ्रेड्स को रन करना, तो हम बोलते हैं सी के बारे में इट इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज. सी इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज, वेल पाइथन इज अ मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज. ऑलवेज रिमेंबर, सी जो है वो सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, लेकिन पाइथन मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है. तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जहां पाइथन डिफरेंशिएट होती है सी से. बिकॉज एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द लैंग्वेज इन राइट नाउ. ऑब्वियसली बात है, यहां पाइथन इज बेटर देन सी लैंग्वेज, बिकॉज सी डू नॉट हैव एन एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट. ओके.